नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जून। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा को लेकर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कही ये बात। बिहार के सीएम और देश के पीएम कैंडिडेट को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को इस वजह से दिया धन्यवाद। सपा ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ को लगाया नारा। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा को लेकर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कही ये बात। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में रविवार को आयोजित एक मिलन समारोह में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा को जनता ने कर्नाटक में जवाब दिया और अब मध्य प्रदेश में मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटकर उसी को आधार बना वोट मांगते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को यह साहस नहीं है कि वह बताए कि देश हित के लिए उन्होंने क्या काम किया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। बिहार के सीएम और देश के पीएम कैंडिडेट को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बीते ही दिनों लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर विधान परिषद सुनील सिंह के आवास पर समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान जब उनसे उनके मुख्यमंत्री का चेहरा और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ना तो हमको सीएम बनना है और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनना है। हम लोग बस विपक्ष को एकजुट कर आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भाजपा के लोग देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वहीं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के विवाद बयान पर कांग्रेस नेता ने दिया यह जवाब। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया था। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों का तापमान तेज हो गया है। इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता का पलटवार सामने आया है। दरअसल कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा द्वारा कहा गया है कि पूरा देश जानता है कि गांधी जी का हत्यारा गोडसे था। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी देश को आज़ाद करवाने में क्या भूमिका रही है। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेसी लोग कुर्बान हुए हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अंग्रेजों की विचारधारा वाले लोग हैं। इसी को देखते हुए पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार को जबरदस्त जवाब देगा। ललन सिंह ने दी जानकारी। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे ये दिग्गज नेता। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की पटना में महाबैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर यह खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। बता दें कि इस बैठक में कुल 18 दलों के शीर्ष नेता भी शामिल होने वाले। इस बात की जानकारी बीते ही दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा दी गई है। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से शामिल होने वाले नेता अपने राज्य में राजनीतिक की दुनिया में काफी प्रभावशाली भी माने जाते हैं। यदि बात करें शरद पवार की तो महाराष्ट्र की राजनीति कहीं न कहीं इनके भी इर्द गिर्द घूमती है। ठीक इसी तरह उद्धव ठाकरे भी पहले महाराष्ट्र की सत्ता के मुख्यमंत्री के रूप में संभाल चुके हैं। यदि बात करें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तो ये भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक ऐसे ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी अहम भूमिका रखती हैं। ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिलता है। ऐसे में बचे अन्य राज्यों के नेता भी अपने राज्य के राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बिहार के विकास को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में केंद्र सरकार के बड़े बड़े विकास कार्य न ही दिखाई देते हैं और न ही वे इसमें सहयोग करने की तत्परता दिखाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्णिया हवाई अड्डा 4 साल पहले चालू हो गया होता। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरशाह द्वेष का 3 वाला चश्मा उतार देंगे, उन्हें केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर लागू होते दिखने लगेंगे। जदयू नेता ने सम्राट चौधरी को लेकर किया यह दावा। अक्सर विरोधी दलों को अपने निशाने पर लेने वाले बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस बार अपने डिग्री को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के डिग्री वाले सवाल खड़े करते हुए पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरान बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी की डीलिट की डिग्री फर्जी है। आगे उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने डीलिट की डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से ली है। चुनाव आयोग के दस्तावेज में भी ये बातें लिखी हैं।
साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आपने किस नाम से डिग्री ली है, आपने वास्तविक नाम से डिग्री हासिल की है या फिर कोई निकनेम से डिग्री ली है। आगे उन्होंने सम्राट चौधरी को चिताते हुए कहा कि 72 घंटों के अंदर सम्राट चौधरी जवाब दे, नहीं तो और भी सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। उन्होंने पीएम दावेदारी को लेकर कही ये बात। पीएम दावेदारी को लेकर जदयू के चीफ अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम की सीट के लिए किसी भी प्रकार की होड़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा ध्यान फिलहाल 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए रूपरेखा तैयार करने पर है। इतना कहते ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2024 के लिए पीएम पद के दावेदार नहीं है, वे केवल भाजपा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पुल हादसे को लेकर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कही ये बात। भागलपुर के आगोवानी पुल हादसे को लेकर सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। विरोधी दल लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पुल निर्माण को लेकर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जब पहली बार आगोवानी पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ था उस वक्त वे लोग कहाँ थे। साथ ही बीजेपी द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आईआईटी रुड़की की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। जांच रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मांझी को विपक्षी एकजुटता के बैठक में निमंत्रण नहीं मिलने पर आरसीपी सिंह ने कही ये बात। विपक्षी एकजुटता को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। इसी बीच विपक्षी एकजुटता को लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी एकजुटता की बैठक में मांझी को नीतीश कुमार द्वारा निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर कहा है कि 2025 तक नीतीश की सरकार बिखर जाएगी। उन्हें जनता ने एनडीए के साथ सेवा करने के लिए वोट दिया था, लेकिन वो आज क्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी सरकार में 7 दल है, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में अपने ही सरकार के एक दल को निमंत्रण नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस बैठक में वही दल शामिल होंगे जिनका कोई आधार नहीं रह गया है। सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को इस वजह से दिया धन्यवाद। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार के पीएम दावेदारी को लेकर कहा था कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि ललन सिंह ने नीतीश का सपना तोड़ दिया है। कम से कम सपने में ही सही उन्हें पीएम बने रहने देते। आगे उन्होंने ललन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों को सच्चाई बता दिया कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आगे उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाकर महागठबंधन में ले जाया गया था, लेकिन ललन सिंह ने उनका सपना तोड़ दिया, ये तो गलत बात है। अमित शाह के सवाल का संजय राउत ने दिया यह जवाब। अभी हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा और उद्धव गुट के नेता संजय राउत से वीर सावरकर को लेकर सवाल पूछे। अब इसे लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री को देश की कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। आगे उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, वहां की हिंसा क्यों नहीं थमी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो सवाल पूछे हैं उसका चिंतन भारतीय जनता पार्टी को खुद करना चाहिए। किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है, लेकिन बीजेपी दे रही है। सुशील मोदी ने विपक्षी दलों को दी ये नसीहत। मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 9 साल हो चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी जगह जगह पर 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम आयोजित कर रही। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत अब एक सूचना वाहक यानी मुंशी की तरह हो गई है। अब उनका ये बताना ही काम रह गया है कि विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, आप जरूर आइए। उनको गलतफहमी हो गई है कि वो विपक्ष के नेता बन गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनको अब कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राहुल विपक्ष का चेहरा हो और उनके साथ हमारी लड़ाई हो। ये तो तय है कि विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें किसी दल को मिलेंगी तो वो कांग्रेस है। हम भी एक मजबूत विपक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों को राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के नाराज होने वाली खबरों को लेकर कही ये बात। महाराष्ट्र में सांसद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। शरद पवार के इस फैसले के बाद अब यह खबर सामने आने लगी कि अजीत पवार इस चीज से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। अब इसे लेकर सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार राज्य में विपक्षी दल के नेता हैं। उनकी स्थिति मुख्यमंत्री के समान है। राज्य में मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की बड़ी भूमिका होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की जिम्मेदारी अजीत पवार पर है। सपा ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का लगाया नारा।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया नारा सामने आया है। दरअसल अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के मतदाता राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर उनकी हार सुनिश्चित करे। आगे उन्होंने कहा कि सपा और उसके सहयोगी सभी 80 सीटें जीतेंगे। इसी को लेकर यह नारा लगाया गया है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हैं लेकिन उनके राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण मिलता है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर लगाए यह आरोप। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को लेकर नीतीश सरकार द्वारा दी गई सोभन बाईपास वाली 150 एकड़ जमीन को केंद्र द्वारा रिजर्व कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से एम्स निर्माण पर ग्रहण लगता नजर आ रहा। इसे लेकर अब बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाए। आगे उन्होंने कहा कि दरभंगा में अगर एम्स का निर्माण नहीं होता तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। उत्तर बिहार और मथुरा के लाखों लोगों का इलाज कराने से वंचित कर दिया है सिर्फ इसलिए कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है रनु गोलू कुमार, सुरेश ओरम, नौशद राजा, विजय राय, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन को केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।